उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में अभी भी पक्की रोडों का अभाव है। इसको देखते हुए परिवहन मंत्रालय उत्तराखंड में रोडों के डामरीकरण की योजना बना रही है और इसी के तहत एक खबर सामने आ रही है श्रीनगर से, जहां श्रीनगर क्षेत्र में स्थित खिरसू और थलीसैंड ब्लॉक में हॉट मिक्स तकनीक से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से लगभग 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि किरसू ब्लॉक में दो तो वही थलीसैंड ब्लॉक में एक सड़क का निर्माण हॉट मिक्स तकनीक से किया जाएगा। लगभग 29 किलोमीटर की इन तीनों सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा। सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने में जुटी हुई है ताकि आम लोगों को आवाजाही में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा में नई सड़कों के निर्माण के साथ साथ पुरानी और टूटी हुई सड़कों को सुधारने का काम भी किया जाएगा। पहले चरण में खिरसू ब्लॉक की दो वही थलीसैंड ब्लॉक की एक सड़क को हॉट मिक्स तकनीक से तैयार किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से लगभग 20 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है।